1983 में बड़ी दादी ने यही बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था। तब भी अव्यक्त बाप दादा की यहाँ पधरामनी हुई थी और बड़ी दीदी से बाप दादा मिलन मुलाकात करके गए थे। दो बार बाप दादा की पधरामनी हुई थी और उसके बाद तो बाप दादा का रथ यहां से ठीक होकर के मधुबन आया था। हम सभी ने 3 टर्न में मुलाकात की थी और लास्ट मुरली बाबा ने चलाई थी 31 दिसंबर 2017, जिसमें बाबा ने कह दिया था कि ये अंतिम समाप्ति वर्ष है। ड्रामा का वो राज हमें पता नहीं था, लेकिन उसी समय दादी जी फिर से जनवरी मास में तबियत बिगड़ गई, बॉम्बे आई। नीलूबेन कहती थी कि शायद तभी ही दादी जी ने मधुबन से विदा ले ली थी। फिर तो काफी नाजुक तबियत हुई थी, दादी जी वेंटिलेटर पर थी और तब दादी जी को यहाँ की सेफी हॉस्पिटल में लाया गया। ये भी एक बड़ा वंडरफुल राज है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। दादी जी की कंडीशन ऐसी थी कि आईसीयू में अकेला दादी जी को रखना पड़े, इन्फेक्शन नहीं लगे। कोई बॉम्बे की हॉस्पिटल ऐसी नहीं है जहां सेपरेट आईसीयू हो। सेफी हॉस्पिटल जो बोरियो की हॉस्पिटल है, जो गामदेवी सेंटर के नजदीक है, उनके डायरेक्टर आदि बहुत संपर्क में थे बाबा के घर से। वहां हमने देखा तो वहां एक रॉयल सूट बना हुआ था जो उन्होंने अपने गुरु के लिए खास बनाया था। रॉयल सूट माना राजाई, जिसमें सेपरेट आईसीयू था और अलग पेशेंट का रूम, गेस्ट का रूम, किचन और सागर के किनारे पर। जब हमने वो देखा तो लगा ये बराबर भगवान के रथ के लिए ही भगवान ने बनाया हुआ है। दादी जी को वहां शिफ्ट किया और 15 दिन में ही दादी जी को वेंटिलेटर से बाहर ले आए। 2.5 मास दादी जी हॉस्पिटल में रही, लेकिन वहां का स्टाफ, डॉक्टर्स इतनी दिल से सेवा की। उसके बाद बाबा का रथ फिर से सेंटर पे आया। तब से एक अलग तपस्या काल शुरू हो गया। 2018 से लेकर हमें याद है, 2018, 19, 20, ये 3 साल बाबा का रथ यहां पर था। हमने जो पर्सनली अनुभव किया कि इसमें कई गहरे राज थे। दादी जी ने अपनी तपस्या किस प्रकार से की। हम हमेशा दादी जी को ब्रह्मा बाबा के साथ कंपेयर करते थे। ब्रह्मा बाबा ने अपने तपस्या काल में, अंतिम समय में, कैसे एकांत में अंतर्मुखी होकर बाबा की याद में मगन रहते थे। बराबर दादी जी ने वैसी तपस्या का आरंभ किया। पहले दादी जी फिर भी सबसे कुछ एक दो वाक्य बोलती थी, मिलती थी, बहुत कम आत्माएं अलाउ करते थे क्योंकि दादी जी की तबीयत नाजुक थी। फिर दादी जी ने ओम शांति बोलना शुरू किया और फिर अंत में सिर्फ दृष्टि दादी जी देती थी। और वो इतनी पावरफुल दृष्टि थी कि जो भी आते थे यहां पर, सबको लगता था, कहते थे हम दादी जी को मिलने जा रहे हैं। मिलने के बाद कहते थे हमने बाप दादा से मिलन किया।
ऐसी दादी जी अखंड तपस्या में थी। फिर तो हमें याद है कि दादी ज्यादा दृष्टि भी नहीं देती थी, देती थी कुछ एक सेकंड, लेकिन वो कुछ एक सेकंड्स की दृष्टि भी इतनी पावरफुल थी। कई बार दादी जी से पूछते थे, दादी जी यज्ञ में ये हो रहा है, क्योंकि यज्ञ से बुलावे बहुत आते थे, दो सीजन गई ना, दादी को पूछते थे, दादी जी मधुबन जाएंगे? दादी जी कहती थी, अभी नहीं, मैं बताऊंगी। कभी दादी जी कहती थी, मैं बाबा से पूछूंगी। कोई ना कोई प्रकार से दादी जी ने यहां से कहीं भी जाने का टाला। हालांकि हमने बहुत कोशिश की मधुबन ले आने की, लेकिन उनके पीछे ये राज था कि दादी अपने आप को संपन्न बनाने की तपस्या में थी। वंडरफुल अनुभव की गाथा है, अगर सुनाने जाऊं तो समय की सीमा है हमारे सामने, लेकिन बेहद सेवाएं की दादी जी ने। कभी दादी कहती थी कि बस अब एवर रेडी हो जाओ, बोलती थी थोड़ा थोड़ा। कभी दादी जी कहती थी, बहुत घमसान है, अभी तो बहुत शुरुआत हो रही है, अचानक सब होना है, अब अपने आप को साक्षी बनाना पड़ेगा, अब एवर रेडी हो जाओ, बस आना और जाना। लास्ट में दादी ने कहा था, अब तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। बस ऐसे दो महावाक्यों में इतने गहरे राज थे, ये दादी जी के अंतिम महावाक्य थे। हमने जो पर्सनली दादी जी की दृष्टि में परिवर्तन देखा, लास्ट एक साल मैं कई बार नीलूबेन को कहती थी कि नीलूबेन दादी जी की दृष्टि तो देखो, ये ऑर्डिनरी नहीं है, और ये दृष्टि में पिता का प्यार नहीं है, ये तो सद्गुरु की दृष्टि लगती है। कभी कभी जो दादी दृष्टि देती थी, ऐसे लगता था कि इस दृष्टि को सब नहीं ले सकते हैं, ऐसी पावरफुल और स्ट्रिक्ट, जैसे ऑफिशियल रूप हो बाबा का। ये परिवर्तन हमने लास्ट में देखा। फिर तो दादी जी एकांत में रहा करती थी, ऐसे वाइब्रेशन होते थे कि पांडु भवन है, सब साइलेंस में बातें करते थे। हम नीचे फर्स्ट फ्लोर पे बहने रहती, दादी जी सेकेंड फ्लोर पे। लॉकडाउन था लास्ट ईयर का, वंडरफुल अनुभव था। हम एक फ्लैट में 10-11 बहने रहती थी, क्योंकि बाहर आना जाना नहीं था, तो जो भाड़े पे फ्लैट्स थे वो निकाले, और दादी का पूरा 10 जनों का स्टाफ था, नर्सिस और बहनों का, हम सब एक फ्लैट में नीचे रहते थे, ऊपर दादी जी। वो भी एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और फिर दादी जी का दिसंबर मास, अचानक दादी जी की तबीयत धीरे धीरे और डाउन रहा करती थी। 9 दिसंबर को अचानक दादी जी की और तबीयत बिगड़ी, तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तब तक 2.5 साल में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इधर ही आईसीयू बनाया था। तब कोरोना काल भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका था। दादी जी को फिर से सेफी हॉस्पिटल में लेकर गए। दादी जी 1 मास रही। उस 1 मास में वंडरफुल सेवाएं हुई है, और दादी जी की स्थिति उपरांत शरीर की ट्रीटमेंट हो रही थी, अनेक अनेक डॉक्टर्स आते थे, मिलते थे, डिवाइन एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन दादी जैसे देह से उपरांत 1 मास में दादी जी ने मेंटली सबको तैयार कर दिया।
खास करके नीलूबेन को ऐसे तैयार करके दादी जी ने छुट्टी ले ली। मुझे वो घड़ियां आपसे शेयर करने का दिल हो रहा है कि जब शिवरात्रि का दिन था और दादी जी की तबीयत वैसे अगले दिन तक अप एंड डाउन तो हुआ करती थी लेकिन फिर स्टेबल थी। सभी का फ्लैग होस्टिंग हुआ, हम भी सेंटर पर आए थे, बाबा का झंडा लहराया, भोग लगाया और अचानक फोन आया, दादी जी की तबीयत सीरियस है, जल्दी से हम पहुंचे। वो शिवरात्रि का दिन 11 तारीख दादी जी के पास पहुंचे और वो दादी जी के आईसीयू यूनिट में पूरा साइलेंस। दादी पावरफुल दृष्टि दे रही थी, सब आसपास थे, नीलूबेन, हम सभी बहने, करीबन 8:30 बजे होंगे। जल्दी से सभी बहनों को, बड़ी बहनों को फोन किया, डॉक्टर सब आने लगे। 10:30 तक दादी जी इसी कंडीशन में थी। जिन्होंने बाबा के रथ की सेवा की थी, बॉम्बे की बड़ी बहनें आई, सब आए, सब ने दादी जी से दृष्टि ली, सारे डॉक्टर्स आ गए और सब आसपास बाबा की याद में खड़े थे। कुछ एक दादी जी से बातें कर रहे थे, दादी हम आपकी आशाओं को पूरा करेंगे, बाबा के गीत बजे और फिर साइलेंस में 2 घंटा योग की तपस्या चली। लेकिन ऐसे लग रहा था दादी किसी की इंतजार कर रही है। लास्ट में दादी जी के मेन डॉक्टर पहुंचे 10:30 में 5 कम। दादी जी ने उसको दृष्टि दी, उसने दादी जी को नमन किया और 5 मिनट में बस दादी जी ने सिर्फ ऐसे आंख किया और ऐसे लग रहा था कि बाप दादा हाजरा हजूर है और फरिश्ते को सब लेकर गए। ये पावरफुल वाइब्रेशंस जो थे जिसमें दुख का बिल्कुल कोई अंश नहीं था, वही दृश्य हमने मधुबन में देखा, शक्तिशाली वाइब्रेशंस। तो ये हमने फील किया कि जब आत्मा संपूर्ण फरिश्ता बनकर जाती है तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस होते हैं। उसके बाद तो सारा कारोबार सबने देखा, कैसे डॉक्टर्स पहुंचे, नीलूबेन कितनी शक्तिशाली थी। और आज के दिन तब हम मधुबन गए, हम 17 दिन रुक करके आए, हमने सोचा ये हरा भरा 25 हम सारे बहने थे, भाई बहने गामदेवी सेंटर पे सेवाधारी सब मिलके, हमने सोचा अब कैसा लगेगा, लेकिन ऐसी दिव्य अनुभूति आज 3 तक हो रही है कि दादी जी साथ है, वो शक्ति और इतने पावरफुल वाइब्रेशंस आज तक भी है। जिस फ्लैट में दादी जी ने 3 साल तक तप किया, वो फ्लैट तो जैसे शक्ति पीठ बन गया। यहां अभी भी बिल्डिंग वाले कोई आते हैं, दादी जी के डॉक्टर्स भी आते हैं, पर वो स्थान पर बैठते हैं और इतनी शक्ति का अनुभव करके जाते हैं और सबके मुख से एक ही आवाज कि दादी जी तो इधर ही है।
विज्ञानी डॉक्टर्स भी आज यही कहते हैं कि हमें लग नहीं रहा है कि दादी जी नहीं है। और यही अनुभव हम भी कर रहे हैं कि दादी जी जैसे फरिश्ता रूप में इसी स्थान पर है और ऐसे वाइब्रेशन से उस फ्लैट का जहां पे दादी रहती थी उस कमरे को, जहां दादी बाहर आती थी वो दोनों कमरे को हमने ऐसे ही रखा है। क्योंकि भाई बहने आते हैं कि हमने बाबा के रथ को तो नहीं देखा लेकिन उसकी तपस्या भूमि को तो हम देखे जहां आत्मा ने संपूर्णता को प्राप्त किया है। तो ये भी एक वंडरफुल ड्रामा का सीन है और ये यही स्थान है जिस स्थान के आसपास साकार बाबा रहा करते थे। गामदेवी सेंटर के बाजू में सागर किनारा है और इसी सागर के किनारे पर ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ था। बबुलनाथ का टेंपल है वहां पर भी साक्षात्कार हुआ था। बाजू में समुद्र है, बाबा की यादगारें है। और अब पता चला कि इसीलिए इस स्थान का नाम गाम देवी पड़ा है कि साक्षात देवी की यहां शक्ति पीठ बना है जहां भगवान के रथ ने इतना बड़ा तप किया है। नीलूबेन सुनाया करती थी कि कभी दादी कोई स्थान पर एक मास से ज्यादा नहीं रही है। ये ड्रामा में पहली बार है तो हमें तो ये महसूस होता है जो पूनम बेन ने कहा, ये 3 साल में हमने बहुत दिव्य अनुभूतियां की, बहुत सारी शक्तियों को दादी ने बढ़ाया। हालांकि बातें तो बड़ी बड़ी आती थी लेकिन वो बातें बातें नहीं लगी, शक्तियां बड़ी। तो आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो यही महसूस करते हैं कि ये बाबा की दुआएं हैं, बड़ों की आशीर्वाद है और समस्त ब्राह्मण परिवार के वाइब्रेशंस और सबकी दुआओं से आज बाबा की इस सेवा को और इस कार्य को निर्विघ्न रीति से हम सभी कर पाए। उसमें पूरे यज्ञ का सहयोग है, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। और इसी भाग्य को हम याद करते हैं कि भगवान के रथ को इन आंखों के द्वारा संपन्न होते हुए देखा। तो अब तो दिल बार बार यही कहता है कि बाबा के इस प्यार का रिटर्न दादी की सूक्ष्म पालना का रिटर्न हमें बाप समान बनकर देना है। और उसके बाद देखो, क्योंकि जब दादी यहां थी तो सब कहते थे, कोरोना था ना, कि भगवान का रथ है तब तक सब थमा हुआ है, बॉम्बे का कुछ बिगड़ नहीं सकता है। पर आज हम फील कर रहे हैं कि दादी संपन्न बन गई है और हमें कह रही है कि अभी आप संपन्न बनो। हालात तो कैसे बदल रही है, आज तो बॉम्बे का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, चारों तरफ भाई भाई। और आप सब तो सुनते हो समाचार, लेकिन दिल अंदर से यही कहता है कि अब समय है हम सब ब्राह्मणों को बाप की पालना का रिटर्न देकर संपन्न बनना है। तो बस मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और कोई तो अनुभव हो नहीं सकता है, इसलिए आज दादी जी के साथ का अनुभव आप सभी से शेयर किया। ऑप्शन